आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे को अभी काफी सारे लोग हैं जो कि शाम के समय धूप चली गई है तो यहाँ पे अभी कर रहे हैं काम। तो दोस्तों यही है मेरे यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि बेहद खूबसूरत है और साथ ही भरा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से। तो दोस्तों आज जैसा कि हम लोग जा रहे हैं अपने यहाँ पे ग्रासलैंड पे, तो सामने आज आपको दिखाएंगे अपने यहाँ का ग्रासलैंड। तो सामने की ओर दोस्तों यह है ढिकाला का मेन गेट जो कि है दोस्तों धनगढ़ी में। तो सामने अभी शाम का समय कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है दोस्तों। और इधर है कुछ एक घर बना हुआ। तो सामने दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है धनगढ़ी का ये नाला जो कि आता है बरसात के टाइम में बहुत ही खतरनाक। और इसी के ठीक सामने है दोस्तों चुकम गांव जो कि कोसी नदी के उस पार है दोस्तों, इसके बीच में है कोसी नदी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ रहे हैं धनगढ़ी के मेन नाले के पास में जो है बेहद ही खतरनाक। जब भी बरसात में यहाँ पे बाढ़ आती है या ये नाला उफान पे होता है तो दोस्तों यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। कई जाने चली गई हैं उसके बाद भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो है पूरी तरह अनकम्प्लीट अभी भी। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं धनगढ़ी नाले पे जो कि बेहद खतरनाक नाला है। तो अभी हम लोग आए थे दोस्तों इस जगह पे घूमने को क्योंकि शाम का समय है और यहाँ पे सामने की ओर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये सामने कुछ ग्रास लैंड सा आपको सामने की ओर नज़र आ रहा होगा तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है दोस्तों यहाँ का। तो सोचा कि थोड़ी शाम का समय यहाँ पे क्यों ना स्पेंड करें, थोड़ी यहाँ पे आके अपनी लाइफ भी हम जी लें दोस्तों, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में दोस्तों बाहर निकलना हो जाता है काफ़ी मुश्किल। तो सामने की ओर जैसा कि ये इस जगह पे हो रहा है दोस्तों पुल का निर्माण जो कि अभी रुका पड़ा है, काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों तो अभी तक इसका काम नहीं हो पाया है। तो सामने कुछ इस तरह से ये धनगढ़ी नाला है। चलो दोस्तों चलते हैं थोड़ी आगे की ओर और जी लेते हैं अपनी ये जिंदगी के कुछ पल। तो सामने की ओर अभी दोस्तों तो जा चुका है और साथ में अभी मैं भी चलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है आगे की ओर और देखते हैं दोस्तों क्या इंजॉय कर पाते हैं। जैसा कि सामने की ओर वो तो पहुंच चुका है उतनी दूरी पे और अभी मैं भी जा रहा हूँ। काफी अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों, बादल भी काफी खुले खुले हैं, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको भी शायद देख करके। और जैसा कि अभी यहाँ पे आने का रीज़न सिर्फ यही था कि यहाँ से सामने की ओर जो ग्रासलैंड है ना दोस्तों वो काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। तो उस जगह में पहले कभी हुआ करता था पानी, तो अभी उस जगह पे पानी तो नहीं है शायद, मगर हाँ ग्रासलैंड है दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा घास का मैदान जिसे कि आप कह सकते हैं। सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी मैदान भरा है और काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो अभी सामने की ओर ये वो पत्थर है सामने जिस पे कि अभी मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पत्थर पे थोड़ी देर स्टेक बैठकर देखूंगा दोस्तों, रुककर देखूंगा
आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा क्या कुछ यहाँ से देखने को मिल पा रहा है। देख पा रहे हैं दोस्तों क्या नजारा है यहाँ का। मजा आ रहा है, मजा कैसा लग रहा है भाई? दिल्ली वालों बढ़िया भाई, ऑसम। दिल्ली वालों यहाँ की नेचुरल हवा जी लो, कुछ सांसें ले लो यहाँ भी। उस पॉल्यूशन में जी जी के तो मर ही जाओगे ना, तुम्हारी बॉडी ग्रोथ कर रही है ना। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है भाई, और तो होगा नहीं भाई। इतनी हीट को तुम लोग एसीओ से दूर कर रहे हो, मगर यहाँ देख रहे हो गर्मी होती है, बट वो होती ही है, फील नहीं होती इतनी। काफी अच्छा है। और दोस्तों आपको सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप कॉर्बेट या उत्तराखंड में किसी भी जगह आते हैं तो प्लीज 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 आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कभी किसी भी ऐसी लोकेशन में आते हो जो कि घूमने की एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस हो या किसी भी अदर जगह पे, तो दोस्तों इस तरह की गंध प्लीज ना फैलाएं। अगर आप जब भी कुछ इंजॉय करते हैं तो उसे अपने कैरी बैग या डस्टबिन, जो भी चीज़ आप अपने साथ में कैरी करके चल रहे होते हैं दोस्तों, उसमें इकट्ठा करके लेकर जाएं और किसी ऐसी जगह उसे ड्रॉ करें जैसे कि नगर पालिका, या जहाँ पे आपको लगता हो कि हाँ उस जगह पे कचरा इकट्ठा होता है, तो उन जगहों पे दोस्तों आप इस तरह की चीज़ें फेंका करें। अगर मैं आपको वीडियो में दिखाने लगूँ तो दोस्तों इतना सारा यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है लोगों ने, कहीं पे बोतलें हैं तो कहीं पे चिप्स की पैकेट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड इतनी अच्छी जगह है घूमने के लिए, है नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, जब भी जाकर आप इस जगह को एंजॉय करने आते हैं। मगर जब आप इस तरह की गंद यहाँ पे फैलाते हैं तो दोस्तों बाहर से आने वाले लोगों को भी ये फील होता है जैसे कि आप तो आए थे आपको अच्छा लगा, बट जब कोई दूसरा आता है ना तो उसे भी अच्छा लगता है, बट वो जब यहाँ पे आके इस तरह की गंदगी देखता है ना तो उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट होता है, यार हमारे उधर भी गंदगी है और इस जगह को कहते हैं कि उत्तराखंड इतना अच्छा, इतनी अच्छी जगह है और उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी सारी गंदगी लोगों ने फैला रखी है। तो दोस्तों यहाँ के लोग ये गंदगी नहीं फैलाते हैं, और जब भी बाहर से लोग आते हैं वही इस तरह की हरकतें कर देते हैं। सो इस तरह की हरकतें ना किया करें, बस यही एक छोटा सा संदेश है आपके लिए मेरी तरफ से। और सामने की ओर दोस्तों देख पा रहे होंगे पहाड़ों का ये व्यू, और सामने की ओर ग्रासलैंड। कभी दोस्तों इस जगह पे होती थी कोसी नदी, तो अभी इस जगह में ना होकर के कोसी नदी ने रुख ले लिया है दोस्तों गांव की ओर। सामने की ओर है मेरे सुगम गाँव, जिस जगह में दोस्तों अभी कोसी नदी ने रुख ले लिया है और आधे से ज़्यादा गाँव तहस नहस कर दिया है। बस कुछ ही परिवार हैं, कुछ ही जगह है जहाँ पे कि कोसी नदी नहीं पहुँच पाई, मोस्टली पूरा गांव खाली कर दिया है। सो आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ का ये वेदर और सामने का नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। जैसा कि मेरा आज मोटिव था आपको ये सब कुछ दिखाने का, अपने यहाँ का वेदर और सामने का जो नेचुरल प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है वो, सो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा दिखाया गया ये ब्लॉग कंटेंट अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखा करें, और जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों आप अपना एक प्यारा सा कमेंट किया करें, और अगर आपको किसी एक व्यू या किसी चीज़ को देखने का मन दोबारा से हो तो आप उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको दोबारा से वीडियो बना करके दिखा दूंगा। और साथ ही दोस्तों मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को कर लीजिए ऑल, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके, और जिससे आप मेरे हर एक कंटेंट को देख सकें और जिससे कोई भी कंटेंट मिस ना हो दोस्तों। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।